प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र में दो गुटों में आपसी विवाद को लेकर गोली चल गई। इसमें एक हिस्ट्री शीटर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस व परिजन मौके पर पहुंच गए और घायल हिस्ट्री शीटर को SRN ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस को सूचना मिली कि कोड़ेहार में एक निजी अस्पताल के पीछे ऋतुराज सिंह निवासी रामपुर फरीदपुर को गोली लगी है। पुलिस पहुंची तो देखा कि ऋतुराज लहूलुहान पड़ा था। काफी देर तक घायल पड़े रहने के कारण उसका बहुत अधिक खून बह गया था। पुलिस ने घायल को SRN अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही कि उसे गोली खुद से लगी है या साथ में बैठे लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजनों ने सड़क पर जमकर बवाल काटा है। पुलिस ने किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तहरीर के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। मृतक ऋतुराज उर्फ ऋतिक पुत्र मलखान सिंह निवासी रामपुर थाना नवाबगंज शातिर अपराधी है। वो रविवार शाम साथियों के साथ प्रयागराज रायबरेली हाईवे के पास कोड़ेहार बाग में अपराधियों के साथ गुफ्तगू कर रहा था। इसी बीच अचानक गोली चल गई और गोली उसके जांघ में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अत्यधिक खून बहने से वह जमीन पर गिर पड़ा तो उसके साथी उसे छोड़कर वहां से भाग निकले। बताते हैं कि अन्य साथी भी रामपुर व उसके समीपवर्ती गांव के हैं, जिनका थाना नवाबगंज के अलावा कई जनपद में आपराधिक इतिहास है। हालांकि पुलिस की जांच में पता चला कि वह अपने ही तमंचे से घायल हो गया। पुलिस घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि पिछले दो दिन पूर्व हाईवे पर ब्रिजेश कुमार निवासी नगला तुला थाना नगला खंगार जिला फिरोजाबाद की बाइक बदमाश उठा ले गए थे, जिसे पुलिस ने घटनास्थल से बरामद कर लिया। ऋतिक उर्फ ऋतुराज आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जिसके ऊपर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज के अलावा अन्य कई जिले में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 17 मार्च को एक घटना में जेल से छूट कर आया था। घटना के वक्त उसके अन्य साथी अपराधी साथ में थे। कमर में वह कट्टा लगाए हुए था, फिंगर दबाने से वह जख्मी हो गया। हालांकि घटना की जांच की जा रही है, सच आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।